नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं vidiq.com और आज मैं आपके पास लेके आया हूँ झंडू नित्यम टैबलेट्स। दोस्तों, अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे का लाल बटन को दबा के इसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं झंडू नित्यम टैबलेट को, क्या क्या है इसके इंग्रेडिएंट और इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप ध्यान देते हैं तो आप देख सकते हैं, इसमें आपको मिल जाएंगे सवर्ण पत्री, इसमें मिल जाएंगे आपको हरितकी, यष्टि मधु, त्रिफला, सोबरचल लवन, सौफ, सर्जिस खार और अरंडे के बीज। दोस्तों, अगर आप इसके इंग्रीडियंट को ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं वो हमारे गट यानी GIT के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसमें कुछ हैं जो आपको डाइजेशन को आपको इम्प्रूव करेगा, कुछ है आपका बाउल इरिगेशन को आपको ठीक करेगा, कुछ हैं जो आपका अगर बदहजमी होती हैं तो इसमें आपको आराम मिलेगा, या फिर आपका नौजिया या वोमिटिंग टेंडेंसी आ रहा है तो उसमें भी ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, कुल मिला के मुझे जो लगा है, ये जो इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हैं एक कॉम्बिनेशन में, ये बहुत ही बैलेंस्ड है और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो दोस्तों, अगर इसके डोजेज में मैं जाता हूँ तो आपको 1 से 2 टेबलेट आपको लेना है रात को सोने समय। अगर आप प्रिफरेबली थोड़ा सा गर्म पानी के साथ लेते हैं तो आपको ज़्यादा आराम मिल जाएगा। दोस्तों, ध्यान देने की बात यह है कि कुछ कुछ लोगों में देख थोड़ा सा भी अगर वो लोग लैक्सेटिव ले लेते हैं तो उनमें लूज मोशन हो सकता है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से बात कर ले और जान ले कि क्या कारण है आपका कॉन्स्टिपेशन का, उसी हिसाब से आपका जो फूड रेजिमेंट है, आपका जो लाइफ स्टाइल है, उसी को भी आप चेंज करें। तो दोस्तों, बस इतना ही है झंडू नित्यम टेबलेट को लेके। आप देख सकते हैं इसमें इसका जो दाम है वो 30 रुपया आता है, हालाँकि ये बाद में कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, बस इतना ही है इस टैबलेट को लेकर, झंडू नित्यम टैबलेट को लेकर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मैं कल फिर से आऊँगा एक दूसरे ड्रग के साथ। तब के लिए बाय बाय।